हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है हॉल वीडियो। सो मैंने कुछ दिनों पहले ही मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी शॉपिंग की थी, सो मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट। मेरे पास मार्च का, सो मैंने सारा अनबॉक्स कर ही लिया है क्योंकि मुझे देखना था कि सब सही है कि नहीं। सो मैंने मार्च से इसलिए शॉपिंग की है क्योंकि मुझे वन ब्रांड ट्यूटोरियल करना था। अगर आप भी देखना चाहते हैं मार्च का वन ब्रांड ट्यूटोरियल, तो कमेंट डाउन बिलो कि आप भी देखना चाहते हैं। पहले है हमारे पास मार्च का आई शेडो पैलेट, जो कि है 15 आई शेडो पैलेट। आई मीन इसका पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो एंड आपको सारे पिंक टोन, ब्राउन टोन सारे ही मिल जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर मैट शेड भी है, इसके अंदर शिमरी शेड भी है। सो आप इस पैलेट के साथ बहुत सारे लुक ट्राई भी कर सकते हैं। सो या एंड इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड ये क्यों लगा हुआ है, मैंने पहले वीडियो शूट किया था, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसलिए मुझे। Then we have the Mars का lip palette. So इसके अंदर भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 shades हैं इसके अंदर। So आप इसको as a liner, as a lipstick तो लगा ही सकते हैं। So yeah. And बहुत ही creamy formula है इसका, I just love it. Definitely buy this. I mean, इतने कम रेंज में आपको इतना अच्छा चीज मिल रहा है तो definitely. है मार्स का लिक्विड आई शेडो इन द शेड 11. इसकी पिगमेंटेशन, oh my god, just love it. I mean, Swiss Beauty वाला भी अच्छा है पर this one is bomb. I mean, इतना कम प्राइस में आपको सेल में भी बहुत ज्यादा कम पे पड़ जाएगा ये। Have my favorite mask glitter palette. I mean, I wanted for a very long time and I got it. So yeah. And आपको ये mask के website में मिलेगा ना, आपको Nykaa पे भी out of stock दिखाएगा and सब जगह out of stock ही दिखा रहा है. So yeah. And इसका pigmentation, just see it. See? इतना ज़्यादा pigmented है, आपको इसके लिए कोई glue वगैरह भी नहीं चाहिए, just स्वैप। सो या हैव मार्स के लिप लाइनर्स, जो पहला शेड है 4 एंड सेकेंड इज 6. सो ये भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है एंड आई लव दिट। स्विस ब्यूटी वाला भी अच्छा है पर दिस वन इज ओनली डिटेल फॉर 50. डेफिनेटली बाय इट। वी हैव मार्स का लूज पाउडर इन द शेड सॉफ्ट लाइट एंड इसके अंदर बहुत सारे शिमर पार्टिकल्स भी है, विच आई डिड नॉट लाइक, बट ठीक ही है, काम चल जाएगा। मतलब मुझे बनाना पाउडर लेना चाहिए था, मतलब ये सॉफ्ट लाइट में शायद थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वी हैव मार्स का प्राइमर, सो ये कहता है कि ड्यूई स्किन देता है, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई, आई मीन कैसा ड्यूई स्किन देता है ये। सो या आई जस्ट लाइक द कोट, इट इज क्राइम टू बी नॉट प्राइम। मार्स का कवर रेंज कंसीलर पैलेट, सो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है एंड आप जस्ट इसको ओपन करोगे तो या सो इसके अंदर ब्राउन है, ग्रीन्स है, पिगमेंटेशन को हाइड वगैरह करने के लिए। सो आप इससे एक वो भी कर सकते हो, कॉन्टोर भी कर सकते हो एंड या आप इससे फाउंडेशन शेड भी बना सकते हो, बहुत सारे मल्टीपर्पस है। सो या हैव मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर, सो मैंने इसकी बहुत सारे रिव्यू सुने थे कि ये बहुत ही अच्छा है, सो मैंने भी ले लिया ट्राई करने के लिए। आई जस्ट लव द बॉटल एंड आई जस्ट लव द ऑल द पैकेजिंग ऑफ द मार्स। हैव द मार्स हाईलाइटर इन द शेड रोज गोल्ड, जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, आई मीन जो ये पैकेजिंग करा ना लोगों ने, आई जस्ट लव इट। सो आपको मिरर मिल जाता है ना, आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो या
एंड इस बहुत ही क्लासिक पैकेजिंग है इसकी, देखो। देन मैंने शुगर से भी लिया था, सो मैंने शुगर से पहले लिया है ग्रीन काजल। सो मुझे ग्रीन काजल चाहिए था, मतलब मेरे पास नहीं था, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई द ग्रीन काजल। ये है ग्रीन काजल कुछ दिखने में, एंड चेक द पिगमेंटेशन। सो ये प्रॉपर ग्रीन है। देन मैंने शुगर से ही आई लव जेली आई शेडो लिया था, जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई कि ये कैसे वर्क करता है, इन द शेड 2। सो आपको ये बहुत छोटे से पॉट में मिलता है। सो या आपको भी मैं कोई वीडियो में ये ट्राई करके दिखाऊंगी, पर ये वीडियो सिर्फ हॉल के लिए है। सो देन वी हैव समथिंग फ्रॉम माई ग्लैम। सो मैंने माई ग्लैम से लिपस्टिक मंगाई है जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये है मेरी फेवरेट लिपस्टिक फ्रॉम पॉप एक्सो। सो ये है ग्लैम स्क्वाड और ये है होम गर्ल्स। सो मुझे होम गर्ल्स ज़्यादा पसंद है, पर मुझे ट्राई करना था कोई डार्क शेड भी, आई मीन उनका कैसा लगता है। सो ये एंड जो ग्लैम ग्लैम स्क्वाड है, ट्रस्ट मी, ये लिप्स पे लगाने के बाद आपको पता ही नहीं लगता कि आपने कोई लिपस्टिक भी लगा रखी है। सो ये 3 शेड आपको उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। और आपको होम गर्ल्स में ये 3 शेड्स मिलते हैं, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये वाला शेड जो मैंने वेयर भी कर रखा है, चेयर लीडर लिप एंड चिक टिंट फ्रॉम द माइंड ग्लैम। तो मुझे लिप एंड चिक टिंट बहुत दिनों से ही चाहिए था, तो मैंने लिया नहीं था। एंड इन द शेड शेड मेंशन नहीं किया गया, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है इसका शेड फीवर है। या है फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्वेस्ट से। सो मैंने एक ऑयल और एक सोप ऑर्डर किया था, जो कि मुझे अभी दिख नहीं रहा है। ऑयल लिया था। सो ये है 100% प्योर कोल्ड प्रेस अनब्लीच अनरिफाइंड। सो इसके अंदर कोई भी केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। सो या एंड मुझे इसकी सोप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं पर्सनली यही यूज़ करती हूँ। सो मैंने इस बार लेवेंडर शेड में लिया है। सो या साथ हमारा हॉल भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड, एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। अगर आपको मार्ट्स का वन ब्रांड ट्यूटोरियल भी देखना है तो कमेंट डाउन बिलो ऑल्सो, एंड उस वीडियो के लिए वेट करना। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। बाय।